हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे क्रेमर रूल, उसके हमने एक क्लास लगा ली है। आज अपन दो नंबर क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में क्रेमर रूल को ख़त्म कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे क्रेमर रूल, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एक तो पहले वाली क्लास, एक ये क्लास, पहले वाली क्लास से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है और इस क्लास से 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अच्छे से पढ़ाई करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन टारगेट हब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस प्रकार का आइकन मिलेगा, आप मात्र 51 रुपये में मैथ्स के नोट्स प्लस ऑल क्लासेस की PDF, ये सबसे शानदार है मौका है आपके पास कि जितनी भी क्लासें लग रही है उन सभी की PDF आपको दी जाएगी उन क्लासों के साथ में, और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपका टाइम बच जाएगा। मात्र 51 रुपये में है। टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और 51 रुपये में आप जुड़ सकते हैं टारगेट बेंच 2025 से। इज दैट क्लियर? चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो इससे पहले वाली क्लास लगी थी हमारी, उसमें हमने 2 चरों के लिए पढ़ा था। आज अपन 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बिंदास तरीके से। पूरी क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, डाउट वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी एग्जाम में इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे चर कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो इसके लिए हमारे पास में डेल क्या बनेगा, हमारे लिए डेल क्या बनने वाला है देखते हैं। तो डेल बनेगा ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ओके, ये बनेगा डेल। समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी अच्छे से। इसके बाद में हमारे पास में बनेगा डेल वन, यहां पे बना दूं डेल वन। डेल वन बनाएंगे, डेल वन लिखेंगे तो एक्स के जो गुणांक है वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, डी वन डी टू डी वन डी टू और डी थ्री। ये हो जाएगा हमारे पास में बी वन बी टू बी थ्री और ये है सी वन सी टू सी थ्री। इसी प्रकार से डेल टू, डेल टू देखो, डेल टू लिखेंगे तो हम क्या है, वाई के कौन गुणांक है वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, अब आ जाएगा हमारे पास डी वन डी टू डी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। और अब लिखेंगे डेल थ्री, उस कंडीशन में सी के गुणांक नहीं, जेड के गुणांक नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री और ये है डी वन डी टू डी थ्री। ओके, और एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे बताओ। एक्स का मान आएगा हमारे पास में डेल वन अपॉन में डेल से, y का मान कैसे आएगा डेल टू अपॉन में डेल से, और z का मान कैसे आएगा डेल थ्री अपॉन में और डेल से, और सभी में डेल नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो, सभी में डेल नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो। ये प्रोसेस जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें रहेगी। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कि ये प्रोसेस रहेगी, ऐसा काम हमें करना पड़ेगा सभी क्वेश्चनों में। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा, और ये बात समझ में नहीं आई है
तो इस जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको आती रहेगी, क्लियर बात होती रहेगी। यहाँ से निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, हल। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल। डेल का रिजल्ट कितना आ रहा वो चेक कर लेते हैं। एक एक एक, यह है दो, पाँच, सात, दो, एक, माइनस एक, ठीक है। अब इसका प्रसार कर देते हैं और प्रसार करके इसका हल निकाल लेते हैं। तो डेल बराबर क्या आएगा, एक, इसको छोड़ना, तो ये बन जाएगा पाँच, सात, एक, माइनस एक, इसको छोड़ना, ये आ जाएगा दो, दो, सात, माइनस एक, और फिर आएगा प्लस का एक, इसको छोड़ना, ये है दो, दो, पाँच, दो, एक, ओके। तो डेल बन जाएगा एक, डेल बनेगा पाँच एकम पाँच, माइनस का पाँच, और माइनस के सात एकम सात, माइनस एक, ये बनेगा माइनस के दो, माइनस के सात दुनी चौदह, प्लस एक, ये बन जाएगा दो एकम दो, और पाँच दुनी दस, ठीक है। तो ये बनेगा डेल बराबर माइनस के बारह, माइनस के चौदह और माइनस के दो माइनस के सोलह हो जाएंगे, और बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस, प्लस के सोलह, और इसका मान कितना बन गया, प्लस के दो हैं माइनस के दस हैं तो माइनस के आठ, माइनस के आठ, तो ये बन जाएगा माइनस के बारह, माइनस के आठ, माइनस के बीस, और प्लस के सोलह, रिजल्ट आएगा माइनस के चार, नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हल तो आ जाएगा। अब अपन डेल का मान चेक करते हैं, किसका, डेल वन का मान, डेल का तो चेक कर लिया, अब अपन निकालते हैं डेल वन का मान, लाइन कर देंगे यहाँ पे बीच में, अब देखो यहां से डेल वन का मान ये आ जाएगा नो बावन जीरो, ये आएगा एक पाँच, एक, एक, सात, माइनस एक। अब इसका प्रसार करते हैं, इसका प्रसार करेंगे डेल वन का, डेल वन का प्रसार करेंगे तो मैं पहले कॉलम के अकॉर्डिंग कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक जीरो है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो नौ, इसको छोड़ना, तो यहाँ पे आएगा पाँच, सात, एक, माइनस एक, माइनस के बावन है, इसको छोड़ना, तो ये बन जाएगा, इसको छोड़ना है तो एक, 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 माइनस एक, और प्लस माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल वन बराबर नो, पाँच एकम पाँच, माइनस के सात, माइनस के बावन, ये बन जाएगा माइनस का एक, माइनस का एक, तो डेल वन का मान बनेगा बारह, माइनस के बारह है तो नौ गुणा माइनस के बारह, बारह छः के बहत्तर, बारह सात चौरासी, बारह अट्ठे छियानवे, बारह नीमे एक सौ आठ कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते भाई एक सौ आठ, ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, बारह नीमे एक सौ आठ माइनस का, और ये कितना है माइनस के दो और माइनस के बावन है, गुणा करेंगे बावन दूनी एक सौ चार होते हैं, और वो भी किसका होगा, माइनस और माइनस प्लस का एक सौ चार होगा, तो रिजल्ट आएगा माइनस के चार, रिजल्ट कितना आएगा माइनस के चार आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हल निकाल लेते हैं, किसका, डेल वन का तो निकाल लिया, डेल टू का निकाल लेते हैं, डेल टू का रिजल्ट निकालते हैं कितना आता है, तो ये आ जाएगा एक, दो, दो, ओके, फिर आएगा नौ,
52 0, वाई की जगह आगे वाले इक्वल वाले नंबर आएंगे, फिर डेल थ्री निकालेंगे तो फिर जेड की जगह आ जाएंगे। अब आ जाएगा यहाँ पे 1 7 -1, इसका रिजल्ट निकालते हैं क्या बनेगा, डेल टू बराबर अपन क्या करते हैं इसका तीसरी पंक्ति से प्रसार कर देते हैं, तीसरी पंक्ति से प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस आएगा ना तो प्लस का दो, इसको छोड़ना इसको छोड़ना, 9 1 52 7 -0 -0 और माइनस यहाँ पे एक फॉर्मूले का तो प्लस आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 -1, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो ये बन जाएगा 1 9 2 52, तो ये बन जाएगा हमारे पास में डेल टू बराबर 2 9 7 63 -52 63 -52, बाहर माइनस का 1 है इसका मल्टीप्लाई जाएगा 52 और माइनस के 9 2 18, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में डेल टू का मान कितना आएगा, 63 में से 52 को घटा दें 63 में से 52 जाएगा तो 8 और 3 11, सही है क्या, 11 11 2 22 और माइनस के 52 52 में से 18 घटाओगे तो 4, इधर बच गया 4 4 में से 1 जाएगा तो 3 34, कितना आएगा 34 आएगा, माइनस के 34 हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अब इसके बाद में ये रिजल्ट कितना बचेगा, प्लस के 22 है माइनस के 34 है, 8 4 12 माइनस के 12 रिजल्ट बचेगा माइनस के 12, ये हमारे पास में डेल टू का मान आ गया। अब मैं यहाँ पे जगह पड़ी है डेल थ्री का मान निकालने की कोशिश करता हूँ, किसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, डेल थ्री का मान, और डेल थ्री का मान कौन से मार्कर से निकालें, इससे निकालें नीले से, डेल थ्री इज इक्वल टू, देखो डेल थ्री निकालेंगे तो 1 2 2, यह है 1 5 1, ये हमारे पास में आ जाएगा 9 52 और ये 0, ये भी अपन क्या करते हैं तीसरी पंक्ति से इसका प्रसार कर देते हैं तो डेल थ्री बराबर बन जाएगा 2, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो 1 9 5 5, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे क्या है 52 है, फिर माइनस का 1, इसको नहीं इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो ये आ जाएगा 1 2 9 52, समझ में आई बात, और प्लस का 0 कर देंगे, प्लस का 0 कर देंगे। अब देखो अब यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ मैं डेल थ्री का मान, बीच में लाइन कर देता हूँ भी, जगह की दिक्कत है ना, देखो अब यहाँ पे डेल डेल थ्री बराबर क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 बाहर है ओके, 52 एकम 52 माइनस में 9 5 45 9 5 45 माइनस 1 है कोई बात नहीं, 52 एकम 52 और 9 2 18 9 2 18, प्लस में 0 छोड़ दो कोई बात नहीं जाने दो, डेल थ्री बराबर 52 में से 45 घटाओ 5 और 2 7, 7 2 14 बाहर माइनस का, 52 में से 18 घटाओगे तो अभी घटाया था 52 में से 18 घटाओगे 34 बचेगा, कितना बचेगा 34, ठीक है तो रिजल्ट कितना आ गया माइनस के 20 आ गया, रिजल्ट कितना आ गया माइनस के 20 आ गया, तो डेल थ्री का मान आ गया, डेल टू का मान आ गया, डेल वन का मान आ गया और डेल का मान हमारे पास में है। अब हमें किसके मान निकालने, एक्स वाई जेड के मान निकालने, किसके मान निकालने भी बताइए, बताओ भी बताओ, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान होता है डेल वन बटा डेल, डेल वन का मान कितना है,
डेल वन का मान आपके पास में माइनस के चार है और डेल का मान माइनस के चार है, माइनस से माइनस कटेगा, रिजल्ट आएगा एक। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में डेल टू अपॉन में डेल। डेल टू का मान कितना है, ये देखो डेल टू का मान माइनस के 12 है, अपॉन में माइनस के 4 का भाग करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 4 तीय 12 और z का मान कितना आएगा, डेल थ्री अपॉन में डेल। डेल थ्री का मान कितना है, माइनस के 20 अपॉन में माइनस के 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 5 20 कितना आएगा, 4 5 20। यानी अपन कह सकते हैं यहां से अपन कह सकते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, इसके अंदर सारे मान लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो x का मान कितना आया, x का मान मेरा 1 आया, y का मान 3 आ गया और z का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया x 1 y 3 z 5। कैसे निकाला, सबसे पहले आपको डेल लिखना है, डेल का मान निकालना है सारणी की सहायता से, डेल 1 निकालना है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं बीच में लाइनिंग कर देता हूँ, ओके। ये हमारे पास में डेल टू का मान आ जाएगा, ये हमारे पास में डेल टू का मान आ गया। अब इसके बाद में ये है डेल थ्री का मान, ये किसका मान है, डेल थ्री का मान नीचे वाला, ये डेल वन का, ये डेल टू का, ये डेल थ्री का, ये एक्स वाई जेड के मान आ गए। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अंजाम देना है, क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा शानदार प्रश्न है, मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है तथा इसका हल संभव नहीं है। यानी हमें ये बताना है कि ये असंगत कैसे है, सिद्ध करना है इस बात को, ये असंगत है लेकिन असंगत हमें सिद्ध करके बताना है कि असंगत इस प्रकार से, इसलिए इसका मान संभव नहीं है। तो अपन यहाँ से कोशिश करते हैं, वही प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डेल का मान हल यहाँ से निकालेंगे, डेल का मान, डेल का मान कितना आएगा, 1 1 2 1 2 3 1 3 4, समझ रहे हो, ठीक है सर जी, समझ रहे हैं। फिर डेल का मान देखो, प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार करेंगे, एक इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये आएगा 2 3 3 4, माइनस एक इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 2 3 4, फिर आएगा प्लस का एक इसको छोड़ेंगे, नहीं इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 2 2 3 1 2 2 3 आएगा। अब डेल बराबर बन जाएगा 4 2 8, कितना बनेगा, 4 2 8 माइनस में 3 3 9, माइनस 4 1 4 माइनस 3 2 6 और प्लस 3 1 3 माइनस 2 2 4, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में माइनस का एक, ये माइनस के दो बचेंगे और बाहर माइनस, माइनस और माइनस प्लस के दो आ गए, माइनस का एक बचेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, डेल बराबर माइनस के दो और प्लस के दो, कट जाएगा दोनों मान कट जाएगा, तो हमारे पास में डेल का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। डेल का मान कितना आएगा बताओ, जीरो आएगा, डेल का मान जीरो आ गया। किसी भी नंबर में भाग देते हैं जीरो का तो रिजल्ट क्या आता है बताओ, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट आता है। आगे भी मान निकाल लेते हैं, बता देते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं डेल वन, डेल वन का मान आएगा 2 5 11, ये आएगा 1 2 3, ये आएगा 1 3 4, कितना आएगा, 1 3 और
4 आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल वन को आप किसी भी पंक्ति से या कॉलम से इसका प्रसार कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल वन बराबर 2, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये आएगा 2 3 3 4 माइनस 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 5 11 3 4 प्लस 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 2 11 3, तो ये बनेगा हमारे पास डेल वन बराबर 2, 4 2 8 माइनस में 3 3 9 माइनस 1, 4 5 20, 4 5 20 माइनस में 11 3 33 प्लस 1, 5 3 15 माइनस में 11 2 22, तो ये बनेगा हमारे पास में डेल वन इजिकल टू 2, ये है माइनस का 1 और ये क्या बन जाएगा माइनस 1 है ही बार, माइनस के 13 बनेंगे और प्लस में 15 माइनस में 22, तो माइनस के 7 बनेंगे। तो डेल वन का मान आ जाएगा आपके पास माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 13 और माइनस के 7, तो डेल वन का मान कितना आएगा, डेल वन का मान आ जाएगा 13 माइनस में 7 और 2 9, तो रिजल्ट आएगा 4 नॉट इक्वल 0 है, यानी डेल का मान 0 नहीं है, डेल का मान 0 नहीं है। अब अपन को क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डेल 2 का मान, तो यहाँ से लिखता हूँ डेल 2 बराबर, ये बन जाएगा 1 1 2, फिर 2 5 11 2 5 11, 1 3 4, 1 3 4, डेल 2 का मान किसी भी पंक्ति या कॉलम से इसका प्रसार कर सकते हैं। एक मैं प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार कर रहा हूँ, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, 5 3 11 4 माइनस में 2, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, 1 2 3 4 प्लस 1, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, 1 5 2 11, समझ रहे हो क्या, ठीक है। डेल 2 बराबर क्या बन जाएगा, 5 4 20 माइनस में 11 3 33 माइनस में 2, 4 1 4 माइनस 3 2 6 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 11 1 11 माइनस में 5 2 10, तो डेल 2 बराबर बन जाएगा माइनस के 13, माइनस के 2 बचेंगे ना, बाहर माइनस के 2 है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, ये बन जाएगा प्लस का 1, तो ये कितना आएगा डेल 2 बराबर माइनस के 13 प्लस के 5, तो डेल 2 का मान आएगा माइनस के 8, डेल 2 का मान कितना आएगा माइनस के 8 आएगा, डेल 2 का मान माइनस के 8 नॉट इक्वल 0 है, डेल 2 का मान आ गया, ठीक है। डेल 1 का मान आ गया, अब हमें निकालना है डेल 3 का मान, तो डेल 3 का मान अपन नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से, कब आए थे, नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं डेल 3 का मान, तो यहाँ से लिखता हूँ डेल 3 बराबर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 1 2, 1 2 3, और ये बन जाएगा 2 5 और 11, समझ रहे हो। अब इसका अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, किसी भी पंक्ति या कॉलम से कर सकते हैं भी, किसी भी पंक्ति या कॉलम से इसका प्रसार कर सकते हैं, तो डेल 3 बराबर क्या बन जाएगा, एक इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये 2 5 3 11 माइनस 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 1 2 5 11 प्लस में 2, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो ये बन जाएगा डेल 3 बराबर
ग्यारह दूनी 22, माइनस में 5 दिए 15, माइनस में 1, ये प्लस का 1 है गुणा में, 11 माइनस में 5 दूनी 10, प्लस में 2, 3 माइनस में 4, तो डेल 3 का मान आ जाएगा 7, माइनस का 1 बचेगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो डेल 3 का मान आ जाएगा प्लस के 7 माइनस के 3, रिजल्ट आएगा प्लस के 4 नॉट इक्वल 0। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ डेल 1 नहीं यहाँ डेल बराबर 0 है, लेकिन डेल 1 बराबर कितना निकाला था, डेल 1 बराबर माइनस प्लस के 4 और डेल 2 बराबर माइनस के 8, डेल 1 बराबर प्लस के 4, डेल 2 बराबर माइनस के 8 और डेल 3 बराबर प्लस के 4 है, ठीक है, इसलिए एक्स वाई व जेड का मान निकालना संभव नहीं है। पूछा क्या था कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है, निकालना संभव नहीं है, इसलिए या अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, क्या है, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं और इनको कर देते हैं सेवेज। अब देखो रैखिक समीकरण निकाय तथा ये दे रखा है, इसको हमें हल करना है, वही क्वेश्चन है, एक बार और समझ लेते हैं इसको अच्छे से तरीके से, आंकड़े चेंज है, इसके बाद में क्रेमर रूल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ से हल, मैं यहाँ से लिखता हूँ डेल का मान देखते हैं कितना आता है, डेल का मान आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 1, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस के 2, यहाँ से माइनस के 4, इसके बाद में माइनस के 4, फिर आएगा 5 और ये आएगा 3, तो अब बन जाएगा डेल बराबर, प्रथम पंक्ति या कॉलम से इसका प्रसार कर देते हैं 2, इसको छोड़ना माइनस के 2 5, माइनस के 4 और 3, माइनस के 3, इसको छोड़ना है 3 1 5 3 और ये है माइनस, वैसे फॉर्मूले का प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इसको छोड़ना तो ये बन गया 3 माइनस 2 1 माइनस 4, तो ये बन जाएगा डेल बराबर 2 माइनस के 6 माइनस और माइनस प्लस 4 5 20 माइनस के 3 3 3 9 माइनस के 5 माइनस के 4 हैं 3 चौके 12 माइनस और माइनस प्लस 2, तो डेल का मान कितना आएगा, डेल का मान आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 20 हैं तो प्लस के 14 बचेंगे, 14 दूनी 28, प्लस के 9 है माइनस के 5 है प्लस के 4 बचेंगे, 4 3 12 माइनस के 12 हैं प्लस के 2 हैं प्लस माइनस के 10 बचेंगे, 10 चौका 40, माइनस के हैं
10 और माइनस के 40, माइनस और माइनस प्लस, 10 चौका 40, रिजल्ट कितना आएगा देख लो। इसमें डेल का मान आ जाएगा, पहले इनको प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 8 6 माइनस में 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 56, 56 नॉट इक्वल 0। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, डेल का मान आ गया। इसी प्रकार से अपन यहाँ से निकालेंगे डेल वन का मान, किसका मान निकालेंगे, डेल वन का मान निकालेंगे, तो ये बन जाएगा डेल वन का मान क्या बनेगा देखो, 1 माइनस 1 और ये है 7, फिर ये रिजल्ट लिख देंगे 3 माइनस के 2 माइनस के 4 और माइनस के 4 माइनस के 4 5 3 5 और 3। अब अपन करते हैं डेल वन, प्रसार करेंगे 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, माइनस के 2 5 माइनस के 4 3 माइनस के 3 है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, माइनस 1 7 5 3 और ये माइनस के 4, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, माइनस 1 माइनस 2 7 माइनस के 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास में डेल वन बराबर 3 दुनी 6 माइनस के 6, 3 दुनी 6 माइनस के 6 और माइनस और माइनस प्लस 5 के 20, ठीक है, माइनस के 3 बाहर है, 3 एकम 3 माइनस के 7 5 35 माइनस के 4, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 7 दुनी 14, तो ये बन जाएगा डेल वन बराबर माइनस के 6 प्लस के 20 प्लस के 14 माइनस के 3 है, माइनस के 35 और 3 माइनस के 38 और ये हो जाएगा 14 4 18, माइनस के 4 बाहर है 18 अंदर है, तो ये बन जाएगा डेल वन बराबर 14 माइनस और माइनस प्लस 8 या 24, 3 या 9 और 2 11, 114 क्या, माइनस के 18 चौके 72, 18 चौके 72 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये रिजल्ट कितना आएगा, 128 माइनस में 72, 128 में से 72 निकालेंगे तो ये बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और इधर बच गया 12 में से 7 निकालोगे तो 5, ये भी नॉट इक्वल 0 यानी 56 आ गया। डेल वन का मान भी कितना आया, 56 आया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डेल टू और डेल थ्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डेल टू और डेल थ्री का मान निकालना है। क्वेश्चन बारी बारी से देखना पड़ेगा भाई हमें, तो कहाँ पे लिखा हुआ है देख लेते हैं, इतने में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार क्वेश्चन का, कितना है, 1 माइनस 1 7 है क्या, 1 माइनस 1 7, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे हमें डेल टू निकालना पड़ेगा, डेल टू निकालेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 3 1 1 माइनस के 1 और 7 माइनस के 4 5 और 3, ये हमने निकाल दिया डेल टू। अब इसका प्रसार करेंगे डेल टू प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 माइनस 1 5 7 3 माइनस 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 3 1 5 3 माइनस के 4, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 3 माइनस 1 1 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में डेल टू, 2 माइनस के 3 माइनस के 5 सत 35 माइनस का 1 3 या 9 माइनस में 5
माइनस के 4, 7 या 21 प्लस 1, ओके। तो डेल 2 का मान कितना आएगा, 2 माइनस के 38, ये बचेगा माइनस के 4, क्योंकि माइनस प्लस के 4 बचेंगे, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, बाहर माइनस है। 21 रेख 22, 22 चौके 88 माइनस के, तो डेल 2 बराबर हो जाएगा ये 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 एक 7, माइनस के 76 माइनस के 4 माइनस के 88, तो डेल 2 का रिजल्ट आएगा आपके पास में माइनस के 80 माइनस के 88, तो डेल 2 का फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस 168 क्या माइनस के 168 आएगा, ये भी नॉट इक्वल 0 है। इसी प्रकार से अब अपन निकालते हैं डेल 3 का मान। डेल 3 का मान निकालेंगे तो ये आपके पास में आएगा 2, 3, 1, 3 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 और 7, ये माइनस 1 है ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, डेल 3 बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, डेल 3 बराबर 2, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो ये माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 4 7 माइनस का 3 है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 3 1 माइनस 1 7 और प्लस का 1, इसको और इसको छोड़ना है, तो ये बन जाएगा 3 माइनस के 2 1 माइनस के 4, समझ रहे हो। तो डेल 3 बन जाएगा 2 7 दुनी माइनस के 14 माइनस और माइनस प्लस, अरे एक फॉर्मूले का माइनस 4 माइनस का 3 7 या 21 प्लस 1 प्लस का 1 4 या 12 और प्लस 2, तो डेल 3 बन जाएगा हमारे पास 18 दुनी 36 14 और 4 18 18 दुनी 36 21 अरे एक 22 22 या 66 22 या 66 12 और प्लस के 2 हैं तो माइनस के 10 माइनस के 10, तो डेल 3 का मान कितना आएगा, डेल 3 का मान आ जाएगा 36 और 10 46 46 माइनस में 66 तो 6 और 6 12 6 और 4 10 10 रे 11 माइनस के 112 नॉट इक्वल 0, तो ये हमारे पास में डेल 3 का मान आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है, एक्स वाई जेड का निकालना है। एक्स बराबर क्या होता है, डेल 1 अपॉन में डेल होता है, डेल 1 का मान हमने कितना निकाला था 56 और इसका मान भी 56 है 56 है, कटेगा रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद में किसका मान निकालना है, इसका मान है वाई, वाई बराबर होता है डेल 2 अपॉन में डेल, डेल 2 का मान कितना निकाला था हमने 168 माइनस का और ये प्लस के 56 तो 6 18 तीन बार हो जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। और जेड का मान कैसे निकलता है, जेड डेल 3, डेल 3 अपॉन में डेल होता है, डेल 3 का मान कितना है, डेल 3 का मान हमने निकाला है माइनस के 112 अपॉन में 56 है तो माइनस के 56 दूनी 112 होते हैं तो माइनस के 2 आ जाएंगे, एक्स वाई जेड का मान आ गया। इज दैट क्लियर, इस प्रकार से करना था। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी ज़्यादा हार्ड है नहीं, टाइम थोड़ा सा लग सकता है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। तो आज की क्लास में हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे कोर्स बना हुआ है, इस कोर्स के अंदर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।